हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुड न्यूज़ है आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए गुड न्यूज़ दे रही है। क्या कि आपका जो सीबीएसई सिलेबस है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी हुई है। सीबीएसई ने अब आपके जो सिलेबस में कुछ पार्ट्स कट कर दिए गए हैं, पूरे नहीं लेकिन 30% कट कर दिया है। जैसे सबसे पहले फिजिक्स, फिर इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें आपके किन किन पार्टों को कट किया गया है वो देख लेते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है मोशन, वो पूरा है, उसमें कुछ कट नहीं हुआ है। मोशन फुल चैप्टर है, आपको लर्न करना है ना। सेकंड आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है, यानी ये भी आपको लर्न करना है। थर्ड चैप्टर आपका कौन सा है? ग्रेविटेशन। अब देखिए, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें पहला पार्ट तो ग्रेविटेशन का जाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं फ्लोटेशन। सेकंड जो पार्ट, एक तो पार्ट हो गया आपका ग्रेविटेशन वाला, यानी ग्रेविटी वाला, और सेकंड पार्ट आपका क्या है? फ्लोटेशन। इस पार्ट को कट कर दिया गया है, यानी ये पार्ट ग्रेविटेशन का फर्स्ट वाला पार्ट, यानी ग्रेविटी वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन ये आपका फ्लोटेशन वाला पार्ट बिल्कुल काट दिया गया है। फ्लोटेशन वाले पार्ट में आपके जैसे थ्रस्ट आता है, प्रेशर आता है, इस वाले जो पार्ट में ना क्या क्या आता है? थ्रस्ट और प्रेशर है ना। उसके अलावा इसमें आपके आता है जैसे बायोन्सी आती है ना, बायोन्सी वाला पार्ट है आपका, ये भी कट हो गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो काट दिया गया है, रिलेटिव डेंसिटी है, वो काट दिया है। यानी फ्लोटेशन वाला पार्ट पूरा है, फ्लूडिटी वाला पार्ट बिल्कुल ही कट हो गया है। एक तरह से तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं होता। देखो, ये ग्रेविटी है, वो फ्लूडिटी है, तो इसलिए दोनों का कोई वो भी नहीं है, है ना। तो इस वाले कोर्स से आपका ये वाला पार्ट हटा दिया गया है थर्ड चैप्टर में, ग्रेविटेशन में से। अब फोर्थ चैप्टर आपका कौन सा है? फोर्थ चैप्टर आपका आता है, देखिए, साउंड। अब ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, साउंड जो चैप्टर है फोर्थ वाला, वो तो बिल्कुल ही 100% गायब है। समझ रहे हो? साउंड बिल्कुल ही 100%, यानी ये चैप्टर आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, ना पढ़ना है आपको। वैसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं एज अ अलग कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी के लिए, लेकिन वैसे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कोर्स के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। देखिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, यानी ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? कि और जो मोशन और लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, इनमें से लॉ ऑफ मोशन में आपके पूरे लॉ हैं, न्यूटन्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उन पे न्यूमेरिकल्स भी हैं बेसिकली। और वर्क एंड एनर्जी में आपके इसमें भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट भी है ना। तो इनमें से थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगी। तो फिजिक्स के ये पोर्शन, यानी आपका जो बेसिक चेंज हुआ है, चेंज किन किन में हुआ है? चेंज सिर्फ दो ही चैप्टर, यानी साउंड जो बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, और दूसरा कौन सा है? ग्रेविटेशन। साउंड चेंज वाला चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी 50% पार्ट लगभग, यानी आधा ही काट दिया ना, आधा ग्रेविटेशन ग्रेविटी वाला है, आधा फ्लोटेशन वाला है, तो 50% पार्ट इसको कट कर दिया गया है। क्लियर? फिजिक्स वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके फोर चैप्टर है, कोर्स में जो चैप्टर है फोर है। पहला चैप्टर आपके क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, मेजर चेंज जो हुआ है वो इसी चैप्टर में हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। इस चैप्टर में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड एंड गैस है ना। इसके अलावा शो दैट लिक्विड डू नॉट फिक्स्ड शेप एंड इवापोरेशन है, सब्लिमेशन है ना। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें से क्या कर दिए गए? डिलीट कर दिए गए हैं। समझ आया? तो
ये सारे चैप्टर क्या है इसमें से डिलीट कर पार्ट जो है डिलीट कर देंगे। तो मेजर चेंज है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी इसका ये समझ लीजिए पूरा ही पूरा जो चैप्टर है वो कट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर हैं सेकंड, जैसे इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर आपका खुल है, यानी पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है। इसके अलावा थर्ड चैप्टर क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये भी आपका पूरा पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है। फोर्थ है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपको पूरा पूरा चैप्टर लर्न करना है। यानी ये तीन चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, बस ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ये क्या कर दिया गया है चेंज, यानी बहुत ज्यादा मेजर चेंज है। क्लियर? तो इस तरह से आपको पढ़ाई में भी इजी हो गया। वैसे तो आप पढ़ना चाहें और जिन्होंने पढ़ लिया है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आगे अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, नीट की या किसी की, तो उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी, है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो कोई गलत नहीं किया है, लेकिन अभी इस टाइम के सिलेबस में आपका ये चैप्टर कट है। उसके बाद बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो देख लिया है ना कितना मेजर चेंज हुआ है, और फिजिक्स का तो स्पेशली साउंड चैप्टर ही हटा दिया पूरा का पूरा ही, तो मजे वाली बात है ना, पढ़ाई में बहुत इजी हो जाएगा अब थोड़ा सा। अब बायो की बात करें तो इसमें जो पहला चैप्टर आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इसमें भी चैप्टर में बहुत ज्यादा चेंज है, इतना चेंज है कि एक प्रकार से बिल्कुल पूरा चैप्टर ही रिमूव है, यानी काट दिया गया है, समझ आए। फर्स्ट चैप्टर आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत ज्यादा है इसमें, एनिमल्स की ब्रीडिंग क्या है, प्लांट्स की क्या है, मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है ना, उसमें बहुत सारी उनकी जो स्पीशीज है उनके बारे में स्टडी है, तो बहुत सारी चीजें इसमें है, तो उन चीजों को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है इसमें, सेल, सेल कंप्लीटली आपको लर्न करना है। थर्ड चैप्टर आपका है टिश्यू, ये भी आपको कंप्लीट लर्न करना है, यानी अब जो क्वेश्चंस इसमें से बनते थे, अब देखिए सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई, सेल और टिश्यू पर आ गई। एक चैप्टर आपका और है जो कंप्लीटली पूरा का पूरा ही आपको लर्न करना है, और वो कौन सा है, वाई डू वी फॉल इल, यानी कि जो डिजीज वाला चैप्टर है ना। ये वैसे फिफ्थ चैप्टर आपका बायोलॉजी में, लेकिन मैं यहाँ पर फोर्थ डाल रही हूँ क्योंकि कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं इसलिए। तो वाई डू वी फॉल इल, ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट आ रहा है, यानी अब जितने क्वेश्चन देखो, एक आपका जो चैप्टर है डाइवर्सिटी, ओ गॉड बहुत लेंथी चैप्टर, उलझ के रह जाता है बच्चा कि क्या आ रहा है, एक तो नाम ही इसमें इतने उल्टे सीधे है ना कि समझ ही नहीं आता कि क्या है डाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन दे रखा है, उसमें फाइलम्स है ना, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स क्या है, फिर उनको फाइलम में क्लासीफाई किया गया है, फिर उनकी उनकी नेमिंग है ना, क्लासीफिकेशन क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह। तो डाइवर्सिटी इज अ वेरी बिग चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत गुड न्यूज कि ये भी आपका चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कट है, समझ रहे हो। बायो में दो चैप्टर आपके, फर्स्ट ये वाला, और वैसे तो ये एक बुक में फोर्थ, मतलब बायो की बुक में है ना फोर्थ चैप्टर है, लेकिन मैंने यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर डाल रखा है डाइवर्सिटी, ये भी बहुत लेंथी चैप्टर है जिसे कि क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो मेन टॉपिक जो आपके आ रहे हैं, अब बचे कितने, ये तीन टॉपिक, सेल टिश्यू और वाई डू वी फॉल इट डिजीज। अब आपको देखो, पहले तो क्वेश्चन इनमें से भी बनते थे है ना, डाइवर्सिटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे, तो आएंगे किस में से, तो इन तीनों में से काफी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। इसमें डिजीज है ना, कौन सी डिजीज किससे होती है, उनके सिम्टम्स क्या है, कैसे स्प्रेड होती है वगैरह वगैरह, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ आया। बायोलॉजी में किस कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या कट हुआ है। अब देखिए, ये इतना कोर्स कटने के बाद भी आपको
खुशी हो गई होगी, है ना, सुनने के बाद कि वाओ चलो हमें तो मजा आ गया, इस साल हमारा फायदा ही हो गया, है ना, कि 9th क्लास में आए, इतना सारा कोर्स कर चुका है। क्लियर है ना, मजे वाली बात है। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट बात है, चारों क्लासेस में कोर्स कट हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए फायदा तो है ही। अब लेकिन कुछ कोर्स या कुछ कहेंगे हम प्रैक्टिकल्स में भी जो चैप्टर्स हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें भी क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। ओके, डिलीटेड प्रैक्टिकल्स देखो कौन कौन से हैं। डिटरमाइन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाला आपका कट गया है यानी डिलीट हो गया है। वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड चैप्टर ही कट गया है तो उसका प्रैक्टिकल भी नहीं है, इसलिए ये भी डिलीटेड है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये डेंसिटी ऑफ द सॉलिड भी आपका ग्रेविटेशन का जो फ्लोटेशन वाला पार्ट है उसमें से है, तो नेचुरल है कि ये भी हटा दिया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए पल्स प्रोपेगेटेड, ये भी साउंड वाले चैप्टर में से, तो साउंड टॉपिक नहीं है इसलिए इसका प्रैक्टिकल भी रिमूव कर दिया गया है। स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पायरोगायरा मॉस, ये डायवर्सिटी वाले चैप्टर में से था तो डायवर्सिटी वाला चैप्टर ही नहीं है इसलिए ये भी कट कर दिया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्चर्स चार्ट्स मॉडल, यानी आपको कोई भी पिक्चर्स चार्ट्स वगैरह देखकर, जैसे अर्थवॉर्म की, बॉनी फिश की, या किसी भी की, कॉकरोच वगैरह एक्सेट्रा, है ना, उसका आपको फाइलम और उसके फीचर्स लिखवाए जाते हैं, वो वाला प्रैक्टिकल भी, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है तो इसका प्रैक्टिकल भी डिलीट हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट स्टेम लीफ एंड, ये भी एज इट इज ही उसी चैप्टर में से है और इसलिए ये वाला भी प्रैक्टिकल आपका डिलीट हो गया। इस तरह से 7 प्रैक्टिकल यहाँ से हटा दिए गए। समझ आ गया कि किस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में से कौन कौन से चैप्टर्स आपके कट हुए हैं या किन का किस चैप्टर में से कितना हिस्सा आपका कट हुआ है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, पढ़ाया भी वैसे उसी के अकॉर्डिंग जाएगा आपको। तो इस तरह से आपके ये बहुत बड़ी मेजर चेंजेस आपके सिलेबस में हुआ है और साथ ही आपके लिए वेरी वेरी गुड न्यूज़ है और इसके हिसाब से ही आपको स्टडी करनी है। ओके।